पीएम नरेंद्र मोदी रूस के साथ 20वें समिट के लिए कल रात व्लादिवोस्तोक पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई। दोनों देशों में रक्षा समेत अलग अलग क्षेत्रों में 20 समझौते हुए। कश्मीर मामले में हर मोर्चे पर पिट चुके पाकिस्तान की घटिया हरकतें जारी हैं। इसी का नतीजा है लंदन में भारतीय उच्च आयोग पर हुआ हमला। पाकिस्तानियों ने हाई कमीशन की बिल्डिंग पर पथराव किया। भारतीय उच्च आयोग ने पथराव में हुए नुकसान की तस्वीर ट्वीट की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेसी नेता डीके शिव कुमार पर शिकंजा कस गया है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय इस केस में उनसे 4 बार पूछताछ कर चुका था। भारत के खिलाफ विरोध की पट्टी पाकिस्तानियों की आंख पर इस कदर बंधी है कि वो सही गलत का फर्क भूल गए हैं। इसी फेर में पाकिस्तान के पूर्व उच्च आयुक्त अब्दुल बासित ने पॉर्न स्टार जॉनी सिंस को कश्मीरी युवक बताकर फोटो ट्वीट कर डाली। सिंस को उन्होंने पैलेट गन का विक्टिम करार दिया। फिर तो ट्विटर पर बासित का वो मजाक उड़ा जिसकी हद नहीं। मुंबई में लगातार बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक बारिश की चेतावनी दी है। बारिश की वजह से बुधवार को सभी स्कूल बंद रहे। सेना ने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सेना ने इन दोनों का वीडियो जारी किया है। कश्मीर पर बौखलाया पाकिस्तान राज्य में तबाही मचाने के लिए साजिशें रच रहा है और ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। मुंबई में 1.5 दिन के गणपति की विदाई पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का खास अंदाज सामने आया। बहन अर्पिता के घर पहुंचे सलमान भी विनायक की प्रतिमा के विसर्जन में शामिल हुए। उनके साथ सोनाक्षी के अलावा कुछ दूसरे सितारे भी मौजूद थे। नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पार्किंग को लेकर एक छात्रा से पंगा 2 छात्रों पर भारी पड़ा। छात्रा ने 25 लड़कों को बुलवाकर 2 छात्रों की क्लासरूम में पिटाई करवा दी। मारपीट में बुरी तरह से घायल दोनों युवक बीए पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच तीसरे दौर की बात हुई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि रोजाना 5,000 तीर्थयात्रियों को जाने की इजाजत होगी। साथ ही तीर्थयात्रियों को वीजा की जरूरत नहीं होगी। कॉरिडोर पूरे साल खुला रहेगा। रेलवे स्टेशन से स्टारडम का सफर तय करने वाली कोलकाता की रानू मंडल की बेटी अब सामने आई है। एलिजाबेथ ने मां को छोड़ने पर हो रही आलोचना का जवाब दिया। उनकी सफाई है कि उन्होंने रानू मंडल की देखभाल की पूरी कोशिश की। कई बार मां से साथ रहने के लिए भी बोला पर वो नहीं मानी।